Welcome to CR International School Online Classes. How are you, student? I think everyone is fine there. Take care of yourself, beta. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगा कर रखिए, बार बार हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइज कीजिए. ओके बेटा, कौन सा सब्जेक्ट है ये? सब्जेक्ट कौन सा है? ईवीएस. और क्लास कौन सी है आपकी? क्लास फर्स्ट. बेटा, ईवीएस में हमारा कौन सा लेसन स्टार्ट है? लेसन नंबर 5, जिसका नाम क्या है? क्लॉथ्स वी वेयर. ओके, इस लेसन में हमने क्या सीखा था? हमें कपड़ों की जरूरत क्यों है और कौन से मौसम में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, यूनिफॉर्म क्या होती है और कौन पहनता है, और क्या देखा? सोर्स ऑफ क्लॉथ, ये जो कपड़े हम पहनते हैं ये हमें कहाँ से और कैसे मिलते हैं, हमने ये देखा था. हमने इसके वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर भी देखे थे. आज इसी का हम पेज नंबर 31 पे एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. ओके, तो सभी बच्चे अपनी ईवीएस की बुक निकालेंगे, पेज नंबर 31 ओपन करेंगे और अपनी पेंसिल, शार्पनर, इरेजर लेकर मैम के साथ में इस वर्क को करेंगे. चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर डी, पेज नंबर 31. क्या है बेटा? लुक एट द पिक्चर्स, यानी पिक्चर्स को देखिए एंड राइट और लिखिए द मटेरियल फ्रॉम विच दे आर मेड ऑफ. और मटेरियल लिखिए जिससे ये जो थिंग्स है ये बने हुए हैं. ठीक है, राइट सी, सी लिखना है. क्या लिखना है? सी. कहां लिखना है सी? अगर कॉटन है, अगर कॉटन से कोई वस्तु बनी तो क्या लिखना है? सी. डब्ल्यू लिखना है. डब्ल्यू कहां लिखना है? अगर वूलन से, यानी वूल यानी ऊन से कोई चीज वस्तु बनी है तो क्या लिखना है? डब्ल्यू. एंड एल, एल लिखना है. एल कहां लिखना है? अगर लेदर से कोई वस्तु बनी है तो आपने क्या लिखना है? एल. सी फॉर कॉटन, डब्ल्यू फॉर वूल और एल फॉर लेदर. ओके, तो अब आप अपनी बुक में देखेंगे, आपकी बुक में पिक्चर्स बनी हुई है और मैम ने भी बोर्ड पर पिक्चर बनाई हुई है. फर्स्ट पिक्चर किसकी आ रही है आपकी बुक में? किसकी है? आप ठंड में पहनते हो, विंटर में पहनते हो, क्या है ये? जैकेट. क्या है ये? जैकेट. जैकेट किसकी बनी होती है? लेदर से बनी होती है. लेदर यानी डेड एनिमल की स्किन, तो उससे क्या बना होता है? लेदर बना होता है. तो क्या है ये जैकेट? किससे बनी हुई है? लेदर से. तो क्या लिखेंगे इस बॉक्स के अंदर? एल लिखेंगे. तो सभी बच्चों ने लिख लिया एल. लेदर से क्या बनती है? जैकेट बनती है. नेक्स्ट देखो बेटा, शर्ट है. शर्ट कौन सी दिख रही है आपको? किसकी शर्ट है ये? क्या फुल स्लीव्स है? नहीं, हाफ स्लीव्स है. और ये हल्की शर्ट लग रही है, हल्की कॉटन शर्ट लग रही है. तो हल्की कॉटन शर्ट हम कब पहनते हैं? समर में पहनते हैं, समर में पहनते हैं. तो ये कॉटन शर्ट है तो किससे बनी है? कॉटन. तो कॉटन मीन्स सी. क्या लिखेंगे यहां पर? सी. ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, क्या है ये? कैप. क्या है ये? कैप. कैप कौन सी है? गर्म कैप है. गर्म कैप किससे बनती है? वूल से, यानी ऊन से बनती है. वूल मीन्स डब्ल्यू. तो ये हमें क्या करती है? वार्म यानी गर्म करती है. तो क्या आएगा? डब्ल्यू. कैप के नीचे क्या आएगा? डब्ल्यू. नेक्स्ट क्या है बेटा? क्या है ये? शूज. क्या है ये? शूज. शूज जो है बेटा ये हमारे किससे बनते हैं बताइए? किससे बनते हैं? किससे? लेदर से, यानी डेड एनिमल की स्किन से. तो क्या आएगा यहां पर? एल. क्या आएगा यहां पर? एल. ओके, आई होप आपने वर्क कंप्लीट कर लिया होगा. जैकेट एल, शर्ट सी, कैप डब्ल्यू और शूज एल यानी लेदर. ओके, आप बेटा जस्ट इसी के नीचे आप एक्सरसाइज नंबर ई देखेंगे. क्या है बेटा? आपको यहां पर पिक्चर्स दी गई हैं और आपको यहां पर पजल गेम दिया गया है. आपने इस वर्क को खुद से करना है बेटा. फाइंड द नेम्स, आपने नेम फाइंड करने हैं. अपने पेरेंट्स की हेल्प से, मम्मी पापा की हेल्प लेनी है और आपने इसको करना है. आपको स्पेलिंग फाइंड करनी है. सबसे पहले क्या है? टाई. तो टाई की स्पेलिंग फाइंड करनी है. फिर क्या है? स्वेटर है, सॉक्स है, शर्ट है, फ्रॉक है और स्कर्ट है. आपने इस वर्क को कंप्लीट करना है. ओके बेटा, पेज नंबर 31 कंप्लीट करके मैम को चेकिंग के लिए आपने वर्क सेंड करना है. ओके बेटा,
सभी बच्चों ने काम बहुत ब्यूटीफुली करना है, इस वर्क को बहुत अच्छे से सोच समझ कर करना है। ओके, W, C और L कहाँ आएगा, आपने इसको सोच समझ कर करना है, जैसे कि मैम ने आपको समझाया। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बेटा, टेक केयर।